पुरुतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रम् मुख चारों वेदों से सुशोभित, पीठ पर शरों सहित धनुष, एक ओर तो ब्राह्मण तेज रूपी शास्त्र और दूसरी ओर क्षत्रियोचित शस्त्र, हजारों वर्षों से जीवित महामानव भगवान विष्णु के छठे अवतार, शस्त्र विद्या के महान गुरु, अहंकारियों का 21 बार पृथ्वी से संहार करने वाले महापराक्रमी चिरंजीव भगवान परशुराम के वंशज हैं हम मोहयाल। मोहयाल एक जाति ही नहीं, वरन शौर्य, पराक्रम और बलिदान की वो वीर गाथा है, जिसने समय समय पर कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी मानवता की रक्षा के लिए और कभी देश की रक्षा के लिए अनेकों नेक कुर्बानियां दी हैं, जिससे इतिहास रंगा हुआ है। फिर वो भाई मतिदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी हों, जिन्होंने मृत्यु तो स्वीकार की परंतु धर्म परिवर्तन नहीं। बाबा परागा जी, सिख इतिहास की जानी मानी शख्सियत, सरदार राजा महान सिंह मीरपुरी बाली, जो महाराजा रंजीत सिंह की सेना के महान जनरल थे, जो उनकी सेना में हरि सिंह नलवा के समकक्ष थे, सरदार करम सिंह दत्ता कंजरूर दत्ता, महाराजा रंजीत सिंह के खास संरक्षक, भाई परमानंद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत, भाई बाल मुकुंद, बख्शी अमीर चंद भीमबाल, गोरख राय वैद, पृथ्वीराज चौहान के बहादुर सेनापति, यके खान दत्त 30,000, बख्शी योगराज, फतेह जंग खान बाली, मेहता राधा किशन, ये हैं माइटी मोहयाल, जो मोहयाल हिस्ट्री में मील के पत्थर बने। और आज की बात करें तो भी हमने अपनी शौर्यता, वीरता व पराक्रम की विरासत को आगे बढ़ाया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी तथा काले पानी की सजा काट अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद राम रखा बाली व पुलिस सेवा में अपने उत्कृष्ट कार्यों से ख्याति प्राप्त करने वाले रायजादा ज्ञान चंद बाली की, अशोक चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त की, महावीर चक्र विजेता मेजर विजय रतन चौधरी की, भारतीय सेना के सबसे सुसज्जित जनरल जोरावर चंद बख्शी की,
आईपीएस श्री आर के मेहता, सेना मेडल विजेता कर्नल राजीव बख्शी, महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल हरबंस राय मेहता, महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह दत्त, सरदार बहादुर रिसालदार मेजर बख्शी गंडा सिंह दत्त की, सरदार बहादुर रिसालदार मेजर बख्शी प्रेम सिंह वैद, तीरथ सिंह वैद, मेजर रायजादा मदन लाल वैद और द्वितीय विश्व युद्ध में मिलिट्री क्रॉस विजेता कैप्टन डॉक्टर पृथ्वीराज बाली की। और फिर जब हम मोहयालियत की बात करते हैं तो इन सभी जाबाजों की कुर्बानियों व शहादत को याद करते हुए, नमन करते हुए, हम आज के दौर के अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते मोहयालों की तरफ मुड़ते हैं। चाहे अभिनय के क्षेत्र में सुनील दत्त हों, जेपी दत्ता हों, या कॉरपोरेट जगत में विनीता बाली, प्रदीप बख्शी हों, बैंकिंग के क्षेत्र में राकेश मोहन, व्यापार के क्षेत्र में एनएन मोहन, प्रमोद कुमार दत्ता हों, साहित्य के क्षेत्र में कश्मीरी लाल जाकिर, जमुना दास अख्तर, हरदयाल सिंह दत्ता कवल जियाई और डॉक्टर अशोक लव आदि आदि। मोहयाल सभा देहरादून इन सभी जाबाज माइटी मोहयाल्स को सलाम करती है। जय मोहयाल। हर क्षेत्र में आज का मोहयाल अपनी पहचान बना रहा है और हम सभी मोहयालों को जो एक सूत्र में पिरोने के कार्यों में दशकों से लीन है, आइए उस संस्था की बात करें। पूर्ण समर्पण, उत्कृष्ट कार्य क्षमता व हम सभी का वटवृक्ष जनरल मोहयाल सभा, जिसकी स्थापना 24 मई 1891 को हुई, जिनसे देश विदेश के सभी मोहयाल किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और इस सभा को संरक्षण मिला है मोहयाल रत्न रायजादा बीटी बाली जी का। मोहयाल सभा देहरादून इस माइटी मोहयाल को सलाम करती है, नमन करती है। जनरल मोहयाल सभा जो मोहयालियत की अद्वितीय भावना की न सिर्फ वाहक है बल्कि बरसों से एकता के सहज बंधन का उदाहरण भी है। जीएमएस शुद्ध रूप से चैरिटेबल, गैर राजनैतिक सामाजिक संस्था है जो बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय व नैतिक मदद करने को तत्पर है, जो कि भविष्य में भी सफलता के नए आयाम हासिल करने को कटिबद्ध है और हर मोहयाल से भावनात्मक रूप से जुड़ा है व जुड़ा रहेगा। मोहयाल सभा देहरादून संस्था के इस जज्बे को सलाम करती है। जय मोहयाल। सुरम्य घाटियों और खूबसूरत वादियों से हरा भरा हमारा खूबसूरत देहरादून, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, उच्च साक्षरता व खूबसूरत निवासियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारी देहरादून की मोहयाल सभा भी अपनी सक्रियता, सहभागिता व उच्च कोटि के कार्यक्रमों के कारण अपनी अलग पहचान बना पाई है। हमें खुशी है कि हमें यहाँ के हर मोहयाल का भरपूर सहयोग मिलता है तथा सभी गर्मजोशी से आयोजित कार्यक्रमों में सहभाग करते हैं। मोहयाल मिलन 2012 का आयोजन 23 सितंबर को किया गया था, जिसमें मोहयाल सभा देहरादून द्वारा याज्ञवल्क्य अवार्ड जाने माने साहित्यकार डॉक्टर अशोक लव को प्रदान किया गया और 8 मोहयाल प्राइड अवार्ड्स अलग अलग क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रोफेसर जसवंत सिंह बाली, प्रोफेसर के एल दत्ता, श्री आर के मेहता
श्री ओ पी मोहन, श्री दीपक बाली, डॉक्टर कमल रतन वैद, श्रीमती पुष्पा दत्ता, श्री वेद मित्तर छिब्बर को ये अवार्ड्स दिए गए। मोहयाल सभा देहरादून इन सभी को बधाई देती है व इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मोहयाल सभा देहरादून अपने उज्जवल भविष्य की ओर आशान्वित है व भविष्य में और अधिक बेहतर करने का संकल्प करती है। जय मोहयाल, जय उत्तराखंड, जय भारत।